पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर टेरर अटैक के मद्देनजर पाकिस्तान ने शुरुआती रिपोर्ट भारत को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में पाकिस्तान ने भारत की ओर से दिए गए सबूतों को नकार दिया है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत ने जो फोन नंबर दिए थे वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं है। उधर टेरर अटैक की जांच कर रही एनआईए की टीम इंटरपोल की मदद लेगी। एनआईए इंटरपोल के ब्लैक कॉर्नर नोटिस हासिल करने की कोशिश करने में लगी है ताकि सुरक्षा बलों के जवाबी कार्रवाई में मारे गए टेररिस्ट के बारे में जानकारी मिल सके। एनआईए को एयरबेस के अंदर एनकाउंटर वाली जगह से मोबाइल फोन, दूरबीन और AK-47 राइफल की एक मैगजीन मिली है। इस बीच पता चला है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो एविडेंस दिए थे उसके बेस पर पाकिस्तान में कुछ सस्पेक्टेड अरेस्ट हुए हैं। पाकिस्तानी पीएम नवाज शरीफ ने IBISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, FIA और पुलिस की एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का आदेश दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन टीम पठानकोट अटैक के पाक से जुड़े तारों की इन्वेस्टिगेशन करेगी। वहीं भारत का कहना है कि पंजाब में घुसकर 2 जनवरी को इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर जिन टेररिस्ट ने अटैक किया था वो जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि इंडिया के प्रोवाइड कराए गए टेलीफोन नंबर पाक में रजिस्टर्ड नहीं है। ये भी कहा गया है कि जांच एजेंसियां पठानकोट के हमलावरों से जुड़ी इन्फॉर्मेशन की आगे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पठानकोट टेरर अटैक से एक बार फिर इंडो पाक के बीच रिश्ते तल्ख हो गए हैं। इस अटैक में 7 जवान शहीद हो गए जबकि जवाबी कार्रवाई में सभी टेररिस्ट मारे गए थे। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।